तो तुम्हें तुम्बाड़ बहुत बढ़िया मूवी लगी और तुमने उसके वर्ल्ड को और उसके नेचर को बहुत अप्रिशिएट किया, वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी को, तुम्हें उसका हॉरर जो है वो बहुत पसंद आया, तुम मूवी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो और तुम उसके ऊपर रिव्यू भी देते हो, बट तुम्हारी वीडियो टेक डाउन कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ आगे जाते हैं, यहाँ अगले पार्ट में आते हैं। तो हाँ, आज हम बात करेंगे तुम्बाड़ 2 के ऊपर, उसके सेकेंड और थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे होगी। तो हाँ, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होगा इस पूरी वीडियो में, क्योंकि सब चीज़ें मैंने पॉडकास्ट में सुनी हैं। सोहम शाह जो कि प्रोड्यूसर और खुद ब खुद एक्टर हैं उस मूवी के मेन, तो हाँ उनके मुंह से सुनिए, तो कुछ भी बेकार में नहीं होगी, तो डोंट वरी। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसमें थोड़ी शुरुआत की चीज़ें मेरी पर्सनल होंगी। तो हाँ, कैसे मैं हेट करने लगा हूँ सोहम शाह को वो भी पता चलेगा और नहीं कर पा रहा हूँ वो भी पता चलेगा। तो हाँ, सोहम शाह जो तुम्बाड़ के मेन लीड थे, उनकी मूवी के ऊपर मैंने रिव्यू बनाया था और वो मेरी पहली वीडियो है जिसपे मेरे को स्ट्राइक पड़ी, तो एकदम से डर लगता है कि अरे भाई चैनल डाउन खत्म भाई, यार मेहनत खत्म। बट ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ बुरा लगा मेरे को कि मैंने बस ट्रेलर में से कुछ क्लिप्स उठाई थी और उसको भी ऐसा नहीं कि पूरी ही दिखा दी थी, कुछ गाइडलाइंस में कुछ ऐसा दिखा नहीं गया, कुछ ही क्लिप्स दिखाने, पूरा ट्रेलर नहीं दिखाया था, कॉन्टेक्स्ट दिया था, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा हिट रहता है सोहम शाह आपसे। बट ठीक है भाई, बंदे का विजन इतना तगड़ा है ना, मैंने उसके पॉडकास्ट सुने, सोचो उस बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ, अपने 10 साल, भाई 10 साल बहुत होते हैं, तुम एक्टर हो और मुंबई में भी रह रहे हो, वो अलग बात है तुम प्रोड्यूसर भी हो तो पैसा है, बट 10 साल अपने एक ही प्रोडक्ट पे लगा देना और दूसरे प्रोडक्ट्स को देखना भी नहीं, वो वाली बात हो जाती है। तो 2-3 इंटरव्यू देखने के बाद मुझे बहुत कुछ मूवी सीरीज़ के बारे में पता चला, क्योंकि यहाँ आगे ट्रायोलॉजी होने वाली है, उस पर भी आराम से बात करेंगे, दोनों पार्ट जो आने वाले हैं उसके ऊपर। बट ये जो पहली मूवी थी वो इंस्पायर्ड कहाँ से थी, कहाँ से स्टोरी आई, तो तुम्बाड़ मूवी के जो राइटर हैं उनका नाम है राही अनिल बर्वे, और जो उन्होंने मूवी को अडेप्ट किया है वो 3-4 कहानियों से अडेप्ट किया है, एक पुराने राइटर, मराठी राइटर की लेखन से, जिनका नाम था नारायण धर्प। जो उनकी कहानी है, मैंने 1-2 कहानी भी सुनी ताकि मेरे को समझ आ जाए कि वो लिखते कैसे थे और सोचते कैसे थे। तो नारायण सर का जो हॉरर है ना, वो मैंने 1-2 कहानियाँ सुनी और 2 कहानियों में ही मुझे समझ आ गया कि वो इंसान हॉरर को कैसे दिखाना चाहता था, मतलब वो अपनी कहानियों में कैसे लिखता था वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तुम 1-2 स्टोरी सुनोगे तो ही, ज़्यादा कुछ नहीं सुना मैंने, एक हवेली वाली कहानी सुनी है और एक बच्ची की कहानी सुनी है जिसके साथ बहुत गलत हो रहा था, एक ही घर में एक बाड़े में रहते थे। तो बेसिकली जो नारायण सर कहानी लिखते थे उनमें से सारी कहानी जो मैं शुरुआत में या बीच में हॉरर की दिखाई देंगी, बट एंड तक आते आते वो एक लाइफ प्रॉब्लम, एक सिचुएशन की तरफ पॉइंट आउट कर देंगी, ये हॉरर था ही नहीं कभी, ये सिचुएशन थी। ठीक है, तो तुम्हें समझ आता है कि मूवी जहाँ से अडेप्ट की गई है वो राइटर ही कभी भी हॉरर नहीं बेचना चाहता, वो कहानी बेच रहा था और कहानी ही चलती है, जो कि हमारे को पता है तुम्बाड़ में। तो बिना किसी ज़्यादा बात के, तुम्बाड़ जैसे तुमने देखी, उसका वर्ल्ड देखा, तुमने उसका सिनेमा देखा और जो स्टोरी है वो तुम्हें पता ही है कितनी तगड़ी थी। तो सेकंड पार्ट ऑफ तुम्बाड़ में होने क्या वाला है अब तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो अब बताना चालू करता हूँ सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की कहानी। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट बेस्ड था विनायक राव के ऊपर, सेकेंड पार्ट बेस्ड होगा उसके बेटे की लाइफ के ऊपर कि वो लालच समझ गया बहुत बुरी बला है, बट वो जाएगा अमृता की तरफ, जैसे कि तुमने मूवी में देख रखा है, विनायक की दादी को भी अमृता का वरदान मिला था और ऐसा वरदान नहीं चाहिए किसी को, तुम पेड़ बन जाते हो आगे, मतलब तुम एक ही जगह पड़े रहते हो, वो वाला वरदान नहीं चाहिए किसी को। तो लालच है बट दूसरे लेवल की लालच खाई नहीं जाती और ये पूरी फैमिली में भी भर चुकी है कि लालच है। तो तुम्बाड़ मूवी का जो प्लॉट था वो 1918 से 1947 तक था, इस मूवी का प्लॉट होने वाला है 1951 से 1980 तक। अगर सॉरी मैं थोड़ा ऊपर नीचे निकल जाऊँ, बट हाँ यही एग्जैक्ट डेट है, अगर मैंने कुछ भी ऊपर नीचे करूँगा तो मैं लिख के बता दूंगा तुम्हें वीडियो के यहाँ। तो सेकंड पार्ट में हम विनायक राव के बेटे को एक्सप्लोर करेंगे, उसके साइड की स्टोरी जानेंगे, वो कैसे पैसों को छोड़ के अमृता के पीछे भाग रहा है, उससे चाहिए अमृता, क्योंकि उसे पता है कि पैसा बहुत ख़राब चीज़ होती है, बट अगर मैं अमर ही हो जाऊँ तो क्या फ़ायदे होंगे। तो वो वापस से जाएगा कहाँ, तुम्हें पता है किसके बारे में, हस्तर के बारे में, मजा। ठीक है, थर्ड पार्ट होने वाला है, थर्ड पार्ट। हाँ, तो जैसे कि सेकंड पार्ट का तुमने सिनॉप्सिस दे दिया मैंने, थर्ड पार्ट में स्टोरी कहाँ रिवॉल्व करेगी। तो जैसे कि प्रोड्यूसर सोहम शाह ने खुद इंटरव्यू में बताया कि थर्ड पार्ट जो होगा वो इस ट्रिलॉजी में प्रीक्वल की तरह सेटअप होगा, जैसे कि कैसे विनायक की दादी को अमृता का वरदान मिला और विनायक की फैमिली में वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की, ये दिखाने की कोशिश करेगा थर्ड पार्ट। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत तगड़ी नहीं होगी तो तुम वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि देखो भाइयों में लड़ाई हो रखी है, ठीक है, वो तुम्हें जो जानते भी हैं, बट भाइयों का बॉन्ड नहीं टूटता है इन छोटी मोटी बातों से, वो अलग बात है, चैनल चला जाएगा फिर क्या भाई। स्ट्राइक आ रखी है, बट बंदे का कंटेंट जो है वो बहुत बढ़िया है। जो एक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं सोहम शाह, वो दिखते हैं कि हाँ वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा उससे बहुत जुड़ाव है उनका। दिखता है कि दो तो सेकेंड और थर्ड पार्ट का सिनॉप्सिस क्या होगा वो मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया जितना मेरे को पता है, इससे ज़्यादा पता चलेगा तो ऑब्वियसली मैं आ जाऊँगा। इस मूवी में नहीं डालूंगा एक भी क्लिप, सोई भैया, ठीक है, बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, और अलग कहानी, तजुर्बे और जो भी बोलना चाहो मूवी से रिलेटेड, उन सब के लिए भाई को सब्सक्राइब कर लो।